Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. तो हम शुरू करते हैं प्रेयर्स के द्वारा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति पनेष्टुकी. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. सो आज हम दो श्लोक कवर करेंगे जो तीसरे स्कंद का 12वां अध्याय श्लोक क्रमांक 48 एंड 49. तो ये दो श्लोक कवर करेंगे आज हम. और इस अध्याय का जो शीर्षक है कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि. वी विल रीड द श्लोका और प्रभुपाद जी ने हमें इसमें क्या समझाया हम ये देखते हैं. हरे कृष्णा. मेरा आवाज आ रहा है. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सो वी विल रीड द श्लोका. श्लोक इस प्रकार है. तीसरे स्कंद का 12वां अध्याय श्लोक क्रमांक 48. शब्दा ब्रह्मत्मनस्तस्य विवक्तव्यक्तता मनः परः ब्रह्मावभाति विततो नाना शक्ति उपब्रह्मितः. अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. अनुवाद. ब्रह्म दिव्य ध्वनि के रूप में भगवान के साकार स्वरूप है. अतएव वे व्यक्त तथा अव्यक्त की धारणा से परे है. ब्रह्मा परम सत्य के पुण्य रूप है और नानाविध शक्तियों से समन्वित है. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. तात्पर्य इसमें है छोटा सा, तो हम ये भी पढ़ लेंगे. तात्पर्य. ब्रह्मा का पद ब्रह्मांड भर में सबसे अधिक उत्तरदायित्व पूर्ण पद है. यह ब्रह्मांड के सर्वाधिक पूर्ण व्यक्ति को प्रदान किया जाता है. जब इस पद को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त जीव नहीं मिलता तो भगवान को स्वयं ब्रह्मा बनना पड़ता है. भौतिक जगत में ब्रह्मा भगवान का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है और प्रणव अर्थात दिव्य ध्वनि उनसे ही आती है. इसलिए वे विविध शक्तियों से समन्वित रहते हैं जिनसे ही इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे सारे देवता प्रकट होते हैं. उनके दिव्य महत्व को कम नहीं आका जाना चाहिए. यद्यपि उन्होंने अपनी ही पुत्री के साथ रमण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की थी. ब्रह्मा द्वारा ऐसे प्रवृत्ति के प्रदर्शन का एक अभिप्राय है और उन्हें सामान्य जीव की तरह घृणित या निंदनीय नहीं मानना चाहिए. श्लोक क्रमांक 49. ततो परम उपाध्याय ससर्गाय मनोधदये.
अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। तत्पश्चात ब्रह्मा ने दूसरा शरीर धारण किया जिसमें यौन जीवन निषिद्ध नहीं था और इस तरह वे आगे सृष्टि के कार्य में लग गए हैं। तात्पर्य ब्रह्मा का पहला शरीर दिव्य था जिसमें यौन जीवन के प्रति अनुरक्ति वर्जित थी, अतएव यौन से संबंध होने के लिए उन्हें दूसरा शरीर अंगीकार करना पड़ा। इस तरह उन्होंने सृजन कार्य में अपने को लगाया। उनका पूर्व शरीर कोहरे में बदल गया जैसा कि पहले वर्णन हो चुका है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगायति गिरं यत्कृपाश्रितं दीनदारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। मैं प्रयास करूंगा जो कुछ मैंने अपने जो वरिष्ठ भक्तों के मुखारविंद से सुना है, इस श्लोक में प्रभुपाद जी हमें क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये मैं वहाँ यहाँ पे बोलने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा। जैसे हम देख रहे हैं इस अध्याय में जो चर्चा चल रही है कि कैसे ब्रह्मा जी है वो जीवों की उत्पत्ति करते हैं, तो जीवों की उत्पत्ति करते हैं तो उस उत्पत्ति करने के लिए उन्होंने पहले चार कुमारों का उन्होंने उत्पत्ति करते हैं, तो चार कुमार आगे जाकर सृष्टि बढ़ाने के लिए वो मना कर देते हैं चार कुमार। फिर ब्रह्मा जी को क्रोध आता है और फिर उनके जो ब्रुकुटी है ब्रुकुटी में से रुद्र उत्पन्न होते हैं। फिर रुद्र जो है सृष्टि करते हैं और इतना वो उत्पात मचाते हैं जिससे देखकर ब्रह्मा जी उन्हें रोक देते हैं। फिर 10 संतों का उत्पन्न होता है, उत्पत्ति ब्रह्मा जी करते हैं। फिर उनके शरीर में से पुत्रियों का भी वो जन्म देते हैं ब्रह्मा जी। फिर समूह ब्रह्मा जी के मन में उनके जो पुत्रियां है उनके ही प्रति वो मोहित हो जाते हैं। फिर आगे जाकर जो ब्रह्मा जी के जो पुत्र है मरीचि इत्यादि वो सब जो देखते हैं ये सब भी जो ब्रह्मा जी जो कर रहे हैं वो देखते हैं, तो ब्रह्मा जी को समझाने का वो प्रयास करते हैं बट ब्रह्मा जी समझ नहीं पाते। और जब भगवान और फिर मरीचि जो उनके जो पुत्र है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर भगवान जो है वो ब्रह्मा जी के मन के अंदर जो दुर्भावना जो आया हुआ है ब्रह्मा जी का उसको वो नाश कर देते हैं भगवान। फिर ब्रह्मा जी को इस बात का साक्षात्कार होता है और वह अपनी गलती को एहसास कर अपने शरीर को त्याग देते हैं। फिर उन्हें दूसरा शरीर दोबारा लेते हैं जिसमें वो फिर सृष्टि करने का वो प्रयास करते हैं। फिर हम देखे पिछले अध्याय श्लोकों में कि कैसे ब्रह्मा जी के द्वारा चार वेद इनका उत्पत्ति होती है। प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु हरे कृष्णा। सॉरी तुम्हारा वीडियो नहीं दिख रहा है। प्रभु मेरा ये कैमरा में कुछ इश्यू आ रहा है प्रभु, वो मुझे करने नहीं दे रहा है प्रभु। नेटवर्क का इश्यू है तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है प्रभु कैमरा। तो आज का जो श्लोक है जिसमें प्रभुपाद जी हमें ब्रह्मा जी का जो पोजीशन है उसके बारे में बताते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे उत्तरदायित्व वाली उपाधि अगर हम किसी को अगर प्राप्त हुआ है तो वो ब्रह्मा जी को हुआ है और स्वयं ब्रह्मा जी ही भगवान के प्रतिनिधि है। अगर हम श्लोक क्रमांक 48 में देखें तो प्रभुपाद जी वहां पे हमें समझा रहे हैं कि भगवान स्वयं ब्रह्मा जी वो क्या है, भगवान के प्रतिनिधि है।
और ब्रह्मा जी के माध्यम से ही प्रणव, जो प्रणव प्रणव का उत्पत्ति होती है, जैसे हम भगवद गीता में कहते हैं प्रणव सर्व वेदेशु। तो ये जो जो सभी वेदों में प्रणव मतलब ओमकार जो है, ओम जो शब्द है वो ब्रह्मा जी से ही उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो यहाँ पे बताया जा रहा है इस श्लोक में कि ब्रह्मा जी जो है वो शब्द ब्रह्म के रूप में प्राकट हुए है और वो 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 और कोई नहीं है, वो भगवान का ही रूप है। जैसे हम भगवद गीता में जैसे हमने देखा कि प्रणव सर्व वेदेशु, जो वेद है और वेद वेद में जो सबसे महत्वपूर्ण जो अक्षर है, जो प्रणव जो अक्षर है ओमकार, वह जैसे कि ज्यादा हम देखते कि जो निराकारवादी जो है, जो भगवान को नहीं मानते, भगवान के जो जो ओम जो शब्द है उसके ऊपर वो ध्यान करते हैं। तो ये जो शब्द है वह यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न होता है। तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये जितने भी है, ये मतलब ये जो जो प्रणव जो जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हो रहा है वो उसको वो भी भगवान ही उनको प्रदान करते हैं, भगवान के द्वारा ही वो उत्पन्न होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जितने भी जो कार्य हो रहे हैं यहाँ पे, जो हम भागवतम में भी देखते हैं कि जो ब्रह्मा जी है वो बहुत मतलब ब्रह्मा जी जो है 12 महाजनों में एक है, और हमारे संप्रदाय में भी ब्रह्मा जी जो है सबसे पहले जो आचार्यों में सबसे पहले आचार्य जो है वो कौन है, ब्रह्मा जी है और गुरु भी है। तो हमें ध्यान यहाँ पे, और स्वयं हम देखते कि भगवान भगवान के द्वारा ही उनको ज्ञान प्रदान हुआ है ब्रह्मा जी को। तो और ब्रह्मा जी है वो बुद्धि के अधिष्ठिता देवता भी ब्रह्मा जी है। तो हमें ये प्रभुपाद जी हमको ये समझा रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी के जीवन में ऐसा जो घटित हुआ कि वह स्वयं अपने पुत्रियों के प्रति मोहित हो गए, तो इसे हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मतलब ब्रह्मा जी को कोई मतलब साधारण जीव करके हमको समझना नहीं चाहिए करके प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में हमको समझाते हैं। तो ये जो घटना जो घटी है, जो ब्रह्मा जी के लाइफ में ये जो घटना घटी है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ विशेष कार्य है, उसके वजह से ये घटना घटी है। और हमें जैसे साधारण व्यक्ति के समान इसको नहीं समझना चाहिए। जैसे साधारण व्यक्ति क्या है, अधिकतरता भौतिक चीज भौतिक आसक्तियों के प्रति रहता है। तो ब्रह्मा जी उसके अंदर नहीं आते, ब्रह्मा जी एक साधारण जीव के प्रति मतलब एक साधारण जीव नहीं है। तो हमें वो प्रभुपाद जी हमें समझाते अपने तात्पर्य में। तो यहाँ पे अगर हम भागवतम में इवन ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का जो पोजीशन है, ब्रह्मा जी मतलब भागवतम में इसका वर्णन हो रहा है, तो ब्रह्मा जी की जो पोजीशन है वो बहुत श्रेष्ठ है। तो ऐसा हम कहते हैं कि ना, क्योंकि भागवतम में ब्रह्मा जी का वर्णन हो रहा है। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य वो कहते हैं कि जो कोई वैष्णव जो की निंदा करते हैं, मतलब देर आर 12 मतलब 12 कारण है जिसमें लोग वैष्णव की निंदा करते हैं। तो जब जो परम एक द फर्स्ट जो कारण है वो है जन्म निरूपण, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा कोई भक्त जो जन्म में उनका जो जन्म है वो कोई नीच कुल में हुआ है, मतलब बहुत या तो वो छोटे कुल से उनने जन्म लिया है, पर आगे जाकर वो भक्त बनता है और वो सब कुछ कार्य छोड़ देता है और भगवान के प्रति वो मतलब भगवान की भक्ति में वो अग्रसर होता है। तो ऐसे व्यक्ति का अगर हम ऐसे भक्त का अगर हम निंदा करते हैं तो वो भी एक वैष्णव अपराध के समान ही है। जैसे कि श्रीपाद रामानुजाचार्य के जब श्रीपाद रामानुजाचार्य थे तो उस समय भी एक भक्त था कांची पूर्ण बोल के।
तो वो भी एक छोटे कुल से उन्होंने जन्म लिया था, पर वो एक बहुत बड़े भक्त थे। तो श्री श्रीपाद रामानुचार्य भी, मतलब वो उनको पता था कि ये बहुत बड़े एक भक्त है, पर श्रीपाद रामानुचार्य जब वो संन्यास लेने से पहले, उनकी जो पत्नी थी वह मतलब ये जो कांचीपुर जो जो भक्त था उसको वह बहुत वो छोटा कुल का मानती थी, बिकॉज वो छोटे कुल से आया हुआ है। तो एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य इस भक्त को वो घर पे इनवाइट करते, ताकि वह ये सोचते हैं कि इनका जो जूठन है वो मैं खा सकूं। तो कांचीपुर को ये पता चल जाता है कि श्रीपाद रामानुजाचार्य मुझे बुलाए हैं इसी कार्य के लिए। तो वो क्या करते हैं, श्रीपाद रामानुजाचार्य घर पे आने से पहले वो उनके घर पे जाकर प्रसादम खाकर वो चले जाते हैं और पूरा साफ करके चले जाते हैं। तो जब श्रीपाद रामानुजाचार्य वो घर पे पहुंचते हैं और उनकी वो अपने पत्नी से पूछते हैं कि कांचीपुर आए थे क्या भक्त, तो बोले कि हाँ वो प्रसादम खा के गए, उसके बाद जो भी बचा हुआ प्रसादम मैंने दूसरे को बांट दिया, और मैंने पूरा मतलब स्नान कर कर आपके लिए नया प्रसाद बनाया, ताकि आप बहुत बड़े मतलब आप ब्राह्मण कुल से हैं और वो कांचीपुर तो एक बहुत छोटे कुल से आया हुआ है। तो इस तरह से उन्होंने वहां पे वैष्णव अपराध कर दिया। तो श्रीपाद रामानुचार्य बोलते हैं कि अगर ऐसे अगर कोई ऐसा जो भक्त जो जन्म में उसका अगर कुल उसका जन्म बहुत छोटे कुल से हुआ है, बट वो आगे जाकर बहुत बड़ा भक्त बन जाता है, तो हमें उनका निंदा नहीं करना चाहिए। तो फिर दूसरा जो कारण है उसका वो शरीर निरूपण, मतलब अगर कोई व्यक्ति शरीर से कोई सुन नहीं पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है, शरीर में उसका कोई समस्या है, पर फिर भी वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, तो अगर ऐसे अगर हम किसी भक्त का अगर अपराध करते हैं तो वो भी एक वैष्णव अपराध के समान है। तो इन्हीं 12 कारणों में एक अंतिम जो कारण है वो क्या है, दोष निरूपण। मतलब भागवतम में मतलब शास्त्रों में जो भी चरित्र हम देखते हैं, अगर उस चरित्र में अगर हम कभी किसी प्रसंग में अगर हम उस कोई व्यक्ति के बारे में अगर कोई अगर जो भगवान के भक्त है उनके चरित्र के बारे में अगर हम कोई दोष निकालते हैं, तो वो भी एक वैष्णव अपराध के समान है। तो यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी के लाइफ में भी ऐसा कुछ घटित हुआ, और हम उसको अगर हम दोष के रूप में देखते हैं, तो वो भी एक वैष्णव अपराध के समान ही है करके श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं। तो इसको कहते हैं दोष निरूपण करके कहते हैं कि कोई भी किसी भी भक्त के चरित्र जो भागवतम में जो भी चरित्र हम देखते हैं अलग अलग प्रसंग, उसमें अगर हम कभी दोष देखते हैं तो वो भी एक वैष्णव अपराध के समान है। और नॉर्मली हम देखते हैं कि भागवतम में हम जब इंद्र का जब हम प्रसंग देखते हैं कि इंद्र स्वयं भगवान से वो युद्ध करते हैं, और हम भगवान शिव जी का अगर हम प्रसंग देखते हैं जिसमें वो मोहिनी रूप में वो आकर्षित हो जाते हैं, तो हमें अगर हम इसमें अगर हम दोष देखते हैं ऐसे प्रसंग में अगर हम दोष देखते हैं, तो हम ये वैष्णव अपराध कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये जो ब्रह्मा जी के मतलब ये जो ब्रह्मा जी के जीवन में जो प्रसंग घटा, तो वह हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई मतलब इसमें भी हमें दोष नहीं देखना चाहिए, इसके पीछे भी भगवान का कोई ना कोई प्लान हो सकता है, या भगवान का कोई भगवान की लीला हो सकती है, तो हमें उस हिसाब से उसको देखना चाहिए। तो हमें इस प्रसंग से क्या सीख मिलता है, जो ब्रह्मा जी के जो लाइफ में जो घटा कि वह स्वयं अपने पुत्री के ऊपर वो मोहित हो गए, तो इससे हमें इससे क्या सीख मिलता है, तो वह प्रभुपाद जी इसी अध्याय में श्लोक क्रमांक 28, 29, 30 और 32 इस श्लोक में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इसके बारे में समझाते हैं कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो जैसे अगर हम जैसे अगर हम देखें भागवतम में कि ययाति महाराज जो है वह श्लोक में बोलते हैं अपनी पत्नी देवयानी से 9वें स्कंद का 29वां श्लोक,
29वां अध्याय श्लोक क्रमांक 17 में बोलते हैं कि जब ययाति महाराज स्वयं अपना ही प्रसंग अपनी पत्नी को सुनाते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि मैं कितना मतलब मैं कितनी बड़ी गलती कर दिया और मेरा पूरा जीवन जो है वो काम में लिप्त हो चुका था। और उसमें वो श्लोक में ययाति महाराज बताते अपनी पत्नी से कि हमारी जो इंद्रिया है वो इतनी बलवान है कि अगर कोई विद्वान व्यक्ति भी है वो अगर एक समान अपने अगर एक समान वो अपने माँ के साथ या अपने पुत्रियों के साथ या अपने अपने बेटियों के साथ भी वो बैठना नहीं चाहिए, बिकॉज वह मोहित हो सकता है। तो वह ययाति महाराज स्वयं अपने अपने बारे में अपनी पत्नी को बताते हैं। इवन एक प्रसंग ये भी आता है व्यास देव जी और जैमिनी ऋषि के बारे में। हम भागवतम में ये भी एक प्रसंग सुनते हैं कि जैमिनी जो ऋषि थे वह समझते थे कि जो विद्वान व्यक्ति है वो कभी काम से वो मोहित नहीं हो सकता है। ये जो काम जो चीज है ये इससे वो कभी मोहित नहीं हो सकता है, बिकॉज ही ऑलरेडी नो, ये जो विद्वान जो व्यक्ति है उसको ऑलरेडी पता है कि जो काम वासना जो ऐसा एक चीज है जिससे ये नरक हम जा सकते हैं। तो उसको जो जो जो, जो जैमिनी ऋषि है उनको ऐसा लगता था कि जो विद्वान व्यक्ति है इससे कभी मोहित नहीं हो सकता, बिकॉज उनको पता है कि काम वासना से हम नरक की ओर जा सकते हैं। तो इसका इसको व्यास देव जी उनको समझाने के लिए कि विद्वान व्यक्ति भी मोहित हो सकता है, तो उनको समझाने के लिए वो एक लीला रखते हैं जिसमें एक समय की बात होती है कि जब जब ये जो सारे ऋषि मुनि जैमिनी ऋषि और सब रात के समय में वो मतलब अपने कुटिया में सोए हुए रहते हैं, तो एक जो सुंदर स्त्री मतलब पूरी तरह से भीग भीग चुकी जो स्त्री है वह जैमिनी ऋषि के कुटिया के सामने आ जाते हैं और वो उस दरवाजे को खटखटाते हैं। और जब जैमिनी ऋषि बाहर आते हैं और जब वह वो स्त्री को देखते हैं तो वो स्त्री उनको बोलती है कि मैं मतलब रास्ता भटक चुकी हूँ और मुझे कुछ आश्रय आप प्रदान करिए करके जैमिनी ऋषि से वो बोलते हैं। तो जैमिनी ऋषि बोलते हैं कि आप एक काम करिए, ये मेरे बाजू वाले जो कुटिया है वो खाली है, तो आप उसमें जाके आप विश्राम लीजिए सुबह तक। फिर जैमिनी ऋषि बोलते हैं कि आप अंदर से उसको लॉक लगा देना उस कुटिया को, अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो आप कभी भी वो लॉक को मत खोलना, मतलब उस खड़ी को मत खोलना। इवन मैं भी आके बोलूं कि मैं जैमिनी ऋषि हूँ और आप दरवाजा खोलिए, तो आप तभी भी मत खोलना करके जैमिनी ऋषि उस स्त्री को बोलते हैं। तो फिर जैमिनी ऋषि वो स्त्री जब स्त्री जब जाती है अपने कुटिया के पास तो जैमिनी ऋषि उनको देखते हैं, तो उनके मन में वो इच्छा उत्पन्न होती है। फिर रात का समय जब होता है तो जैमिनी ऋषि वही याद करते वो स्त्री के बारे में याद करते रहते हैं। तो फिर जैमिनी ऋषि वो जो रात के समय में वो स्त्री का जो डोर है उसको नॉक करते हैं, तो जैमिनी ऋषि बोलते हैं कि वो स्त्री से कि आप दरवाजा खोलिए, मैं जैमिनी ऋषि हूँ। तो वो स्त्री कहते हैं कि नहीं, मुझे स्वयं जैमिनी ऋषि ने भी बोला है कि आप कभी भी कोई व्यक्ति आता है तो आप कभी भी ये दरवाजा मत खोलिए करके मुझे आदेश दिया है जैमिनी ऋषि ने। फिर जैमिनी ऋषि को उस स्त्री को देखने की इतना इतना उत्कंठा होता है कि वह स्वयं वो जो कुटिया के छत पे चढ़ जाते हैं जैमिनी ऋषि, और फिर वो जैमिनी ऋषि उस कुटिया के अंदर आ जाते हैं। और जैसे ही वो कुटिया में जब जो जैमिनी ऋषि उस स्त्री को स्पर्श करने का प्रयास करते हैं तो वो जो स्त्री है वो व्यास देव के रूप में वो प्रकट हो जाते हैं, स्वयं जैमिनी ऋषि के जो गुरु है। तो इससे वो इस लीला से वो समझ जाते कि ये जो काम वासना जो चीज है इससे कोई भी भ्रमित हो सकता है। तो ये जो भी कुछ मतलब ब्रह्मा जी के जो लाइफ में घटा है तो इससे हमको यही शिक्षा मिलते हैं कि इस संसार में भगवान को छोड़कर
अगर हम कभी भी ये काम वासना के ऊपर विजय नहीं प्राप्त हो सकते, जब हम भगवान के प्रति, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान के प्रति हम आसक्त रहेंगे, तभी जाकर हम ये काम वासना के प्रति विजय प्राप्त हो सकते हैं। तो हमें इस तरह से ये जो लीला है, ये जो ब्रह्मा जी के लाइफ में ये जो घटा जो लीला है, इसको हमें इस वे में देखना चाहिए, ना कि हम उसमें दोष देखें। तो इससे हम वैष्णव अपराध भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो वह प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये भी समझाते हैं कि ये जो ब्रह्मा जी है वो बहुत बहुत शक्तिशाली जीव है, और ये जो जीव, ये जो ब्रह्मा जी है, ये जो आध्यात्मिक रूप से इतने शक्तिशाली है कि इनका जो स्थान है वो कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता है। इसको बहुत केयरफुली, ये जो ब्रह्मा जी का जो पोजीशन है, ये जो पद है, वो केयरफुली किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली हो। और कभी अगर समझो ये जो पद खाली हो जाता है, तो स्वयं भगवान भगवान स्वयं इस पद के ऊपर इस पद को स्वीकार करते हैं। तो वह प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि ये जो ब्रह्मा जी का जो पोजीशन है, ये कोई साधारण पद नहीं है। इसके लिए मतलब बहुत क्वालिफिकेशन लगता है, मतलब वो आध्यात्मिक रूप से बहुत वो शक्तिशाली होना चाहिए, तब जाके ये जो ब्रह्मा जी के पद को वो स्वीकार कर सकते हैं करके इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। फिर आगे अगर हम देखें इसके आगे वाला जो श्लोक है, इसमें हम देखते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी जो है अपना जो शरीर को त्याग कर जो आगे की जो प्रजाति बढ़ाने के लिए वो दूसरा शरीर को प्राप्त करते हैं। तो हम नॉर्मली देखते हैं कि अगर हमें संतान को उत्पत्ति करना हो, तो जैसे हमारे जो आश्रम है, तो उसमें हम सिर्फ गृहस्थ आश्रम में रहकर ही हम संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। तो उसी आश्रम में हमें ये अलाउ किया है कि आप संतान उत्पत्ति करिए हमें, या ना तो ब्रह्मचारी आश्रम में, ना तो संन्यास आश्रम में, हमें इसका अलाउ नहीं किया है कि आप संतान उत्पत्ति करिए, सिर्फ और सिर्फ गृहस्थ आश्रम में। तो उसी तरह से ये जो ब्रह्मा जी का जो शरीर उनको प्राप्ति हुआ था, तो उनको प्रभुपाद जी हमें ये समझाते हैं कि ये जो ब्रह्मा जी का जो शरीर था, ये सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक के लिए उनको ये शरीर प्राप्त हुआ था। अगर उनको मतलब संतान, मतलब ये जन संतान उत्पत्ति करना है, तो उनको दूसरा शरीर उनको प्राप्त करना होगा। तो उसके लिए ब्रह्मा जी यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे उस वो दूसरा शरीर वो प्राप्त करते हैं, जिससे वो जो 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 उनके जो संतति हो संतान को उत्पत्ति कर सके, उसके लिए वो दूसरा शरीर को यहाँ पे वो प्राप्त करते हैं। तो हम इस अध्याय में अगर हम देखें कि हम ऑलमोस्ट वी आर ऑन दी, मतलब हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे, और हमें आगे 2 या 3 श्लोक ही है जिसमें पूरा जो अध्याय है, जिसमें हम देखते कि कैसे ब्रह्मा जी अलग अलग जो संतान को उत्पत्ति करने के लिए, कैसे वो कुमार को उत्पत्ति होती है, फिर कैसे वो रुद्र का उत्पत्ति होती है, जिस तरह से इस सृष्टि को चला सके, जो भगवान ने उनको जो कार्यभार दिया है उससे वो सृष्टि को चला सके, उसके लिए वो पूरा ये प्रयास करते हैं कि अभी आगे जाकर वो और इसके बारे में डिटेल में हमको प्रभुपाद जी समझाएंगे दूसरे अध्याय में, जो 13वां अध्याय है उसमें हमको समझाएंगे। तो इस 2 श्लोक में हमें प्रभुपाद जी यही समझाते हैं कि एक तो है कि ये जो भी हम भागवतम में जो भी नॉलेज हम प्राप्त करते हैं, तो ये जो भी प्रसंग हम देखते हैं कि कभी हम इंद्र का प्रसंग देखते हैं जिसमें वो इंद्र भगवान से लड़ पड़ते हैं, और कभी हम शिव जी का जो प्रसंग देखते हैं कि जिसमें वो भगवान शिव जी मोहिनी के रूप में मोहित हो जाते हैं, ऐसे हम अलग अलग प्रसंग देखते हैं जिसमें कोई ऋषि मुनि भी जैसे मतलब अपने पद से नीचे गिर जाते हैं कुछ कारणवश,
और आज के हम प्रसंग में देखते हैं कि ब्रह्मा जी स्वयं मोहित हो गए अपने अपने पुत्रियों के प्रति, तो हमें इसको दोष में नहीं देखना चाहिए कि भाई मतलब ब्रह्मा जी भी मोहित हो रहे हैं और शिव जी भी, भगवान शिव जी भी मोहित हो रहे हैं, इंद्र जैसे इतने बड़े पद जो है इंद्र को जो मिला हुआ है, भगवान ने जो दिया हुआ है, वो भी मतलब कभी वो मतलब भगवान से युद्ध कर बैठते हैं, कभी वो भगवान को ही हराने का सोचते हैं, या वो मतलब हम देखते कि कभी कभी वो मतलब ये सब मद्यपान कर रहे हैं, तो ये सब में हमें उनको दोष, हमें उनसे उनके ऊपर दोष नहीं देखना चाहिए, ये सब भगवान की लीला है और भगवान के इस मतलब ये सब प्रसंग से हम अपने आप में ये सीखना चाहिए कि भाई ये प्रसंग से हम अपने आप लाइफ में हमको क्या क्या करना चाहिए वो हमको सीखना चाहिए, तो ये सबसे हमें वो सीख लेना चाहिए। तो वही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि ये जो ब्रह्मा जी का जो पोजीशन है कि ब्रह्मा जी ने अपने लाइफ में अगर ये घटना घटी तो उनको छोटे मतलब उनको उस यो में मतलब उनको छोटे इसमें नहीं देखना चाहिए, उनका जो पोजीशन है बहुत हाई लेवल का पोजीशन है, और ब्रह्मा जी का पोजीशन के लिए भी भगवान किसी और को नहीं देते, अगर अगर दूसरे किसी को पोजीशन नहीं देते, अगर अगर वो पद खाली रहता है तो वो दूसरे किसी को तुरंत वो उसको उस पद को भरते नहीं, वो स्वयं उस पद को स्वीकार कर लेते भगवान स्वयं, तो हमको इस वे में वो देखना चाहिए करके प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैंने मतलब जो कुछ मैंने सुना भक्तों के मुखारविंद से वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास किया, तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे जो एडिशनल स्पीकर है वो भी इस श्लोक में कुछ ऐड करिए, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय, हरे कृष्णा।